हम लोग का मुख्य समस्या बिजली का आ रहा है, काफ़ी दिक्कत है। डीएम साहब वही बता रहे थे कि ग्रिड की दूरी बहुत लंबा होने के कारण, इतनी दूरी पे कहीं नहीं है बिहार में, ये पता नहीं यहाँ कैसे कर दिया, वो खुद इस पर ये कर रहे थे। तो वो जब तक ग्रिड नहीं बनेगा तो बताया कि इसमें थोड़ा समय लगेगा ग्रिड बनने में, तो लेकिन अभी तत्कालीन तौर पर उसको सुधार कर दिया जाएगा। तो अभी है, कल से सुधार है, उम्मीद है कि वो बोले कि दो चार दिन में इसको तत्काल सुधारेगा, लेकिन जब तक ग्रिड नहीं बनेगा सुधार नहीं हो पाएगा। इसके लिए बिजली जैसे ग्रिड का जहाँ मतलब ग्रिड से नज़दीक के लोग के वाले जो लोग हैं उन लोगों को बिजली मिल रही है, जो दूर पड़ जाता है, जो काफ़ी दूरी पर है, उतने दूरी पर कभी ग्रिड होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ग्रिड नहीं रहने के कारण दिक्कत हो रहा है। तो ये हो जाएगा समस्या। डीएम साहब आश्वस्त किए हैं कि बहुत जल्दी हम लोग, चूँकि ठाकुरगंज ग्रिड बन रहा है, जैसे उस वक्त सब डिवीजन लेवल पर बनना था, किशनगंज बताया डीएम साहब कि एक ही सब डिवीजन होने के कारण दोनों ग्रिड यहीं बन गया, ये अलग जगह पर चाहे बहादुरगंज या ठाकुरगंज बनना था इसको, तो नहीं होने के कारण ये सब थोड़ा दिक्कत आ रहा है। गर्मी का समय है और गर्मी के समय में लोग दो चार हो रहे हैं, खास करके देखा जा रहा है ठाकुरगंज डिगल बैंक एरियो में जो है काफ़ी परेशानी है। नहीं, इसी बारे में भी बताया कि ग्रिड की दूरी लंबा होने के कारण, मतलब दूरी होने के कारण इसको मतलब जो दिक्कत आ रही है, और ये बहुत जल्द वो बोला कि हो जाएगा। जो इंसुलेटर काफ़ी, जैसे इस बार बताया वो 1300 इंसुलेटर उड़ गया, तो सारा चेंज कर दिया गया है। तो हम लोग ये कंप्लेन किए कि भाई इंसुलेटर, जैसे प्राधिकारियों का कहना है कि इंसुलेटर बहुत गुणवत्ता बहुत घटिया किस्म का दे दिया गया है, जिस कारण इंसुलेटर उड़ जाता है ज़रा सा भी थंडरिंग पर। तो डीएम साहब बताएं कि नहीं, इस पर आप लोग भी शिकायत कीजिए, हम भी लिखते हैं कि इंसुलेटर जो आएगा वो थोड़ा बेहतर क्वालिटी का दे, कि थंडरिंग की वजह से, चूँकि ये थंडरिंग वाला एरिया है, काफ़ी थंडरिंग होता है यहाँ, तो जिस कारण मामूली सी भी थंडरिंग के कारण इंसुलेटर उड़ जाता है, जिससे कई कई घंटों तक बाधित हो जाता है विद्युत। तो कोशिश हम लोग का है, पिछले कई हफ्ते से बिजली का समस्या खास तौर पर किशनगंज में बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है, तो ग्रामीण को बहुत दिक्कत हो रही है। उसी संबंध में हम लोगों ने अभी डीएम साहब से बात की, तो डीएम साहब बोला कि इसमें कुछ सामान जो है इंसुलेटर वगैरह ये ख़राब है, और ख़राब जो है तो ये कई साल से ख़राब है। तो हम लोगों ने कहा कि इसको दुरुस्त करने का काम कीजिए, वरना इस तरह से होने से पब्लिक काफ़ी परेशान रहता है। हम लोग को भी रात में भी फ़ोन करता है, बच्चे पढ़ने पढ़ाई में भी दिक्कत होती है, इसलिए बिजली का समस्या का अगर ठीक नहीं होगा तो इसमें लोगों को दिक्कत आ जाएगी। ये तो जांच का विषय है, इतना घटिया सामान परचेज हुआ है, ख़रीदारी किया है, और जिसके चलते थोड़ा सा भी बारिश होती है तो उड़ जाता है सामान। हम कहते हैं कि जहाँ पर बारिश होती है वहाँ पर बिजली रहती है, लेकिन किशनगंज ज़िला में बारिश होने से पहले बदली लगी है और उससे 5 मिनट पहले लाइन कट जाता है, फिर वो तो इंसुलेटर नहीं उड़ना चाहिए, उसके बावजूद उड़ता है। इसका मतलब है कि ये सामान जो है घटिया सामान खरीदारी हुआ है, इस पर जांच का विषय होना चाहिए। अगर ये ठीक ठाक नहीं हुआ तो हम लोग इस आवाज़ को सदन में उठा। चलिए, आज की बैठक की समीक्षा बैठक थी डीएम साहब के साथ, मुद्दे तो बहुत सारे थे, लेकिन ज्वलंत जो मुद्दा था वो बिजली का था, उनसे सारी बात हुई। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो बताया पावर ग्रिड का जो डिस्टेंस काफ़ी होने की वजह से जो उसका जो कंजम्पशन होता है धीरे धीरे घटता है, इससे दिक्कतें आती है। और सबसे बड़ी बात है, पटना में मेरी बात हुई, उनका कहना है कि जो थंडरिंग ये लगा, ये जोन काफ़ी थंडरिंग होती है, इंसुलेटर पूरे बिहार में एक जैसा बना है, लेकिन स्पेशली इस जगह के लिए हम लोगों ने मांग की है कि यहाँ के लिए स्पेशली आप इंसुलेटर जो है जो थंडरिंग को कवर कर पाए ज़्यादातर, उसको उस तरह का दिया जाए। वैसे कंपनी पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह का घटिया दिया गया है? जब तक जो काम हो चुका उस पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोग आते हैं बाहर से, ठिका लेते हैं, मनमर्जी काम करके जाते हैं, इस पर कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। और अगर मौका मिला हम लोगों को तो इस आवाज़ को हम सदन में उठाएंगे और बिल्कुल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बिजली का ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इलाके में, बिजली और नदी कटाव का। तो उसी सिलसिले में डीएम साहब से हम लोगों ने टाइम लिया था और उसी से ने बात की। ठाकुरगंज का मसला ये था कि किशनगंज में जो पावर ग्रिड 2 बन गया, ये बनना था ठाकुरगंज में 7 साल पहले का, जैसे डीएम साहब ने बताया, लेकिन पता नहीं वहाँ लैंड प्रॉब्लम या जो भी वहाँ के जो लैंड माफिया लोगों की वजह से वो 7 साल पहले नहीं बन पाया। मेरे आने के बाद हम लोगों ने कोशिश की और वहाँ काम शुरू हो गया। अभी डीएम साहब ने बताया अगले मार्च तक वो फाइनल हो जाना चाहिए, तो वो बन जाएगा तो फिर लाइट का समस्या सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि पावर ग्रिड ही वहाँ बन रहा है ठाकुरगंज में खासतौर से, तो वहाँ खत्म हो जाएगा।